नवा प्रश्न है बच्चों, नवा प्रश्न क्या कह रहे हैं, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर क्रमशः बिंदु ई तथा एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, इस बात को आपको प्रूफ करना है। यानी अगर मैं त्रिभुज बना लूं पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर हमने त्रिभुज बना लिया है और ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, यानी ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, ई एक ले लिया और एफ बिंदु ले लिया, यहाँ पर दो बिंदु ले लिया और ये ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है, समांतर है, समांतर। तो अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो इस हिसाब से हम यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में समझ सकते हैं कि आपके लिए बताया गया कि क्या ये हो सकते हैं, क्या लगा दो आप, क्या ये समांतर होंगे, इस बात को हमें बताना है, ठीक है, क्या ये होंगे नहीं होंगे समांतर, इस बात को बताना है। तो दूरियां दी गई हैं, इसमें दूरियां लिख लेते हैं हम यहाँ पर पहले फिगर के लिए। इस हिसाब से ये लिखा है पी क्यू आर, भाई त्रिभुज है तो हमने लिखा पी, हमने लिखा क्यू, हमने लिखा आर, उसके पैरल है डी और ई और एफ, ई और एफ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पी बराबर 3.9 दे रखा है पहले के लिए, पी बराबर 3.9 ये, और पी ई दे रखा 3.9, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, ई से लेकर क्यू तक 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और पी एफ 3.6 दे रखा है और एफ आर 2.4। अब हमें इसका अनुपात को चेक करना है, अगर इसका अनुपात सही होगा, एक जैसा आएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये पैरेलल होगा, यानी ई एफ जो रेखा होगी वो पैरेलल होगी क्यू आर के। तो हम चेक कर लेते हैं, 3.9 बटे में 3 बराबर में 3.6 बटे में 2.4, पॉइंट से पॉइंट हट गया, पॉइंट से यहाँ पर हटेगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो 39/30 बराबर में 36/24, तो यहाँ पर काट देंगे, 3 से काट देंगे, 3 × 3 = 0 और 3 × 3 = 3×9, यहाँ पर काट देंगे, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 3×2 = 6 = 12, यानी हमारे पास बचा 13/10 बराबर में 12/8। तो 13/10 का मतलब हो गया यहाँ पर 1.3 हो जाएगा, हालांकि ये बराबर नहीं है, 10 से भाग करेंगे 1.3 आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, 8 × 8 और 4 = 12 बचेगा, 0.845 1.5 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1.3, क्या ये बराबर है, तो ये बराबर नहीं है। और अगर ये बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो डी ई एफ जो लाइन है वो पैरेलल नहीं है, वो पैरेलल नहीं है किसके, क्यू आर के। तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि ये समांतर नहीं है। तो अब हम इसके दूसरे पार्ट को कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दूसरा भी और तीसरा भी, तो तीनों पार्टों को हम आपको क्लिक करके दिखाएंगे। तब तक यहाँ पर पहला है, अब आपके लिए दूसरा। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम आपके लिए प्रश्न नंबर 9 का दूसरा पार्ट बताते हैं और दूसरा पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से, मैं त्रिभुज फिर से बना देता हूं, पी क्यू आर ई और एफ, ये हो गया। अब यहां पर हमने लिखा PE का मान जो है वो 4 सेंटीमीटर है और QE का मान 4. यहां पर आपके लिए क्या लिखा है, हाँ QE का मान है 4.5 और PF का मान है 8 और RF का मान है 9। तो यहां पर इनका अनुपात चेक करेंगे, देखें 4/4.5 और बराबर में 8/9, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो यहां पर हम इनको काट के देख लेते हैं, पॉइंट हटाया हमने, ये 40 हो गया, 40/45 बराबर में 8/9, तो यहां पर काट दो, 5 से काट दो, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 8/9 बराबर आ गया 8/9, यानी 8/9 अगर 8/9 के बराबर आ गया, यानी इनका अनुपात बराबर आ गया, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अगर अनुपात बराबर है तो ये पैरेलल होंगे, यानी ई एफ जो है इसके लिए पैरेलल होगी क्यू आर के लिए, ये पैरेलल होगी। तो यहाँ पर आपके लिए ये प्रूफ हो चुका है कि एक तो आपके लिए पैरेलल होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके तीसरे पार्ट की, तीसरा पार्ट क्या है, ध्यान से सुनिए, तीसरा पार्ट जो है वो है आपके लिए, लिखा है पी क्यू का मान 1.28, तो हम लिख देते हैं 1.28 लिख दिया, पी क्यू का मान हो गया ये वाला, पी क्यू का मान, ये पी क्यू का मान है ये, यहां से, और पी आर का मान, इस हिसाब से हम चित्र बना देते हैं, पहले चित्र बना लेते हैं तभी हमारे पास यहाँ पर समझ में सही आएगा। तो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है,
ये ई है और ये एफ है, ये एफ है। तो यहां पर आपके लिए लिखा है पी क्यू है, पी से लेकर क्यू तक की दूरी 1.28 है, और पी आर की दूरी जो पी से लेकर आतर की दूरी है वो 2.56 सेंटीमीटर है ये, और पीई 0.18 है और पी एफ 0.36 है ये। तो हमें इनका अनुपात निकालना है। अनुपात कैसे निकालेंगे, यानी पीई बटे में पी एफ, पीई है 0.18 और बटे में पी एफ है 1.28, बराबर में यहां का 0.36 है और यहां पर है 2.56। पॉइंट से हट गए, यहां भी पॉइंट हट गए, आ गया 18/128 बराबर में 36/256 ये है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, दो से काट देंगे, 2 छंग 12, 2 छक्के 8, 2 निम्बा 18, और यहां पर दो से काटेंगे, 2 एकम 2 और 16, 2 अट्ठे 16, और दो यहां से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नीचा 2 अट्ठे 16, यानी यहां पर आ गया 9/64 बराबर में 18/128 ये आ गया। तो दोस्त यहां पर 9/64 है, ये कट सकता है 3 से, लेकिन 2 से ये कटेगा, तो यहां पर 18/128 है, ये बराबर किसी भी तरीके से नहीं आएगा। अगर ये बराबर नहीं आएगा अनुपात, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं यहां पर ई एफ जो है पैरेलल नहीं होगा क्यू आर के, ये नहीं होगा पैरेलल, ये समांतर नहीं होगा, इस बात की कंडीशन के लिए है। तो इस तरीके से यहां पर इन प्रश्नों को कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। और ये आपके लिए नमे का जो लघु उत्तरीय प्रश्न का नमा था वो आपके लिए खत्म हो चुका है, और अब बात करेंगे हम यहाँ पर 10वें प्रश्न की, और 10वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम आपके लिए बता देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न का 10वां प्रश्न है, 10वें का जो चित्र बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और आपके लिए बताएंगे किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर आपके लिए दिया गया है कि जो डी ई भुजा है वो पैरेलल है ओ क्यू के, और डी एफ पैरेलल है ओ आर के, और इसी तरीके से यहाँ पर आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, कि जो ई एफ भुजा है ई एफ वो पैरेलल है क्यू आर के, इसको आपको प्रूफ करना, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे यहाँ पर, अब आपके लिए हम बता देते हैं, ये चित्र बना हुआ कुछ इस प्रकार, चित्र बना हुआ कुछ इस प्रकार, हम बना देते हैं चित्र, चित्र देखो पहले बच्चों, चित्र ये है, और चित्र को समझ लेना है यहां पर कि किस तरीके से ये चित्र बना हुआ है, और बाद में ही हम इसकी प्रतिक्रिया करेंगे एक्टिविटी को। तो यहां पर बना लेते हैं चित्र को, ये बन गया चित्र, ये लो चित्र बन गया, ठीक है। अब आपके लिए यहां पर रूल लगा देना है। देखिए पहला तो यहां पर बोला गया कि डी पैरेलल है ओ क्यू के, यानी डी से लेकर ई तक की भुजा जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के। अगर ओ क्यू के ये पैरेलल है यानी समांतर है, तो आनुपातिक प्रमेय लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आनुपातिक प्रमेय से, आनुपातिक प्रमेय से, आनुपातिक प्रमेय से, यानी आनुपातिक प्रमेय लगा देंगे, क्या अनुपातिक प्रमेय, यह पीई हो जाएगा बटे में ई क्यू बराबर इसका पी से लेकर, यहां पर ओ है, पी से लेकर डी तक बटे में डी से लेकर ओ तक, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, देखिए मैंने लिख दिया। अब उसके बाद हम दूसरा मानते हैं डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, तो डी एफ पैरेलल हो गया ओ आर के। अगर डी एफ पैरल हो गया ओ आर के, तो इस हिसाब से यहां पर इसका लिखेंगे पी डी बटे में डी ओ बराबर पी एफ बटे में एफ आर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देखें समीकरण 1 से पी डी अपॉन डी ओ का मान यहां रख देंगे, यानी समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 से, 1/2 से ऐसे लिख दो, 1/2 से, ठीक है, समीकरण 1/2 से अगर लेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो पी डी अपॉन डी ओ का मान है वो यहां रख सकते हैं हम, यानी पी ई अपॉन ई क्यू बराबर में है, ये जो पी डी अपॉन डी ओ का मान है कितना है, पी एफ अपॉन एफ आर, वो यहां रख दो पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। अगर ये अनुपात इनका हो गया पी अपॉन ई क्यू और बराबर में पी एफ अपॉन एफ आर हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो है ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, किसके, ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू
क्यू आर के, यानी ई एफ जो भुजा है ई से लेकर एफ तक की जो भुजा है वो क्यू आर के कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो यहां पर लिख सकते हैं समांतर है। तो ये प्रूफ हो गया आपके लिए, क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया यानी सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से यहां पर इसका ये कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न यहां पर है दूसरा माने 6.25 वाला, यानी 11वां प्रश्न है, सेम ऐसा ही प्रश्न है, वो हम आपके लिए करके बताएंगे। लेकिन अभी तक आप जो है 10वां प्रश्न जैसा ही आपके लिए 11वां प्रश्न है, तो 10वां प्रश्न आप वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आप यहाँ पर पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, और आगे भी प्रश्न होते रहेंगे आपके लिए, और इस तरीके से हम चलते रहेंगे, लगातार मैथ की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार प्रश्नों को करा रहे हैं बच्चों। और आप ये ध्यान रखिए कि जितने भी प्रश्न करा रहे हैं सब आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं, और इस एक्सरसाइज में करीब अब लगभग जो है 4 प्रश्न बचे हुए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी कराएंगे आपके लिए, और फिर ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी आपके लिए। फिर हम त्रिभुज की समरूपता के बारे में बात करेंगे और उसकी एक एक्सरसाइज होगी, फिर हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। लेकिन लगातार आपके लिए वीडियो मिलती रहेंगी और इसी तरीके से आप सीखते रहेंगे मैथ को, और जितने भी प्रश्न करा रहे हैं हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इनको करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।